प्लास्टिक बोतल से बना डाले एकदम नया और अनोखा रेनबो प्लांटर बिल्कुल आपके बजट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से। क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत पे देखा तो प्लास्टिक बोतल एक कट्टे में पूरा भर गया था। मैंने रेनबो के 7 कलर के हिसाब से 1 लीटर वाली 7 बोतलें इकट्ठी कर ली। ये कटर किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे आराम से मिल जाता है, काफ़ी काम की चीज़ है। क्राफ्ट करते हैं तो ये आपको रखना चाहिए। पीछे एक क्लिप होता है, उसे हटा सकते हैं। अंदर एक और क्लिप पे ये ब्लेड फंसा होता है। ब्लेड पुराना या फिर छोटा हो जाए तो इसे हटाकर नया ब्लेड रिप्लेस कर सकते हैं। अलग से ब्लेड का एक पैकेट भी आता है और ये सस्ता भी होता है। ये बहुत ही शार्प होता है तो बच्चों को इसके पहुंच से दूर रखें। नए ब्लेड को क्लिप में फंसाकर ब्लेड वाले जगह पे इंसर्ट करें। ये लीजिए, नया ब्लेड फिर से तैयार है। इस क्लिप का एक और काम है, ब्लेड में लाइंस बने होते हैं। जब भी आपका ब्लेड पुराना हो जाए तो ब्लेड इसमें फंसाकर तोड़ लें, आराम से टूट जाते हैं। इस तरह आप ब्लेड के आखिरी हिस्से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लेड सालों चलते हैं। 7 बोतल को आधे से काट ले। अगर किनारा उबड़ खाबड़ है तो कैंची से इसे एकसार करें। ये वॉल पुट्टी जो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, आपके शहर में जहाँ हार्डवेयर की दुकानें होती हैं वही मिलती हैं। दिल्ली में 400 रुपये में 20 किलो मिल जाता है। पैक के पीछे देखने से पता चलता है कि ये हाथों के लिए काफ़ी हद तक सेफ है, जो अन्य ब्रांड में नहीं मिलता। ये सीमेंट नहीं है और ना ही POP है, ये वॉल पुट्टी के नाम से मिलती हैं। वॉल पुट्टी में केवल पानी मिलाकर बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट डो तैयार कर सकते हैं। ये डो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ही चल पाते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। डो बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ देखकर आप आराम से इसे बनाना सीख सकते हैं। और जब भी काम करें तो इस डो को गीले कपड़े से ढक कर रखें। अलग से एक बाउल में वॉल पुट्टी में फेविकोल और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। चिपकाने का सारा काम हम इसी से करेंगे। अब आपको डो से शीट बनाना है, ना मोटा ना पतला। थोड़े से प्रैक्टिस में ये आसानी से बनने लग जाते हैं। छोटा बेलन नहीं है तो घर में पड़े पुराने बेलन या कोई भी राउंड शेप के बोतल से भी ये शीट बन जाते हैं। आपके मन में क्राफ्ट की चाहत और एक ज़िद्दीपना होना चाहिए तो काम एकदम आसान हो जाता है। बोतल या बेलन ड्राई होना चाहिए तभी ये शीट बन पाते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ये शीट्स नकली वॉल पुट्टी, वाइट सीमेंट, POP, ग्राउट इत्यादि से नहीं बन पाता। बोतल पे वॉल पुट्टी का घोल डॉट डॉट करके लगाएं और शीट को सावधानी से चिपका लें। एक बार शीट चिपक जाए तो हल्के उंगलियों से दबाते हुए एकसार करें। दूसरी शीट को भी ठीक इसी तरीके से चिपका लें। बीच के गैप को पुराने चाकू से पानी के सहारे स्मूथ करें। यही तरीका अपनाकर बाकी बचे सेट्स को भी शीट से कवर करें। अगर पूरे बोतल पे एक साथ शीट को कवर करने में परेशानी है तो आधे बोतल पे ही शीट लगाएं, ड्राई होने दें और फिर से बाकी बचे आधे हिस्से को कवर करें। इस तरीके से शीट में उंगलियों के निशान नहीं पड़ेंगे। सभी सेट्स को अच्छी तरीके से धूप या छाया कहीं भी सुखा लें। डो से राउंड शेप बना लें, साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। बोतल के किनारे चिपका लें। पुराने पेन के खाली खोल या फिर ढक्कन से पैटर्न बनाएं। पहले आधे बोतल पे ये पैटर्न बनाएं, ड्राई होने दें, फिर पूरे बोतल को इसी पैटर्न से कंप्लीट करें। दूसरा पैटर्न बिंदी की तरह शेप बनाकर ब्रश के पिछले हिस्से से दबाएं, पूरे बोतल को कवर करें। तीसरा पैटर्न लंबे लंबे क्वाइल बनाएं, बोतल के किनारे चिपकाते चले जाएं। क्वाइल मोटा या पतला जैसा आपसे बने वैसा बना लें। थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से बनने लग जाते हैं। क्वाइल बनाते वक्त आपके हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, गीले हाथों से क्वाइल नहीं बन पाते। क्वाइल से पहले बोतल की आधे शेप को कवर करें, ड्राई होने दें, फिर पूरे बोतल को
कवर करें। अगर कहीं क्रैक दिखे तो वॉल पुटी डो से इसे फिल करें और ब्रश में पानी लगाकर प्रॉपर शेप दें। चौथा पैटर्न, पहले कॉइल बनाएं, फिर कॉइल से बोतल पे तिरछा यानी 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री के एंगल में पैटर्न बनाएं। पहले थोड़ा गैप कर कॉइल्स लगा लें ताकि पैटर्न एक समान रहे। पूरे बोतल को इस पैटर्न से कवर करें, ड्राई होने दें। पांचवा डिजाइन यानी पैटर्न, पत्ती की तरह यानी लीफ की तरह शेप बनाएं। पुराने नेल कटर से लाइनिंग वाली टेक्सचर दें। इसे भी पहले किनारे पे चिपका लें, फिर पूरे बॉटल को कवर करें, ड्राई होने दें। छठा डिजाइन, कॉइल बनाकर ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लाइन में चिपका लें। पुराने नेल कटर या चाकू से पैटर्न बनाएं। ये बांस यानी बैम्बू पैटर्न हो गया। पूरे बोतल को इसी पैटर्न से कवर करें और ड्राई होने दें। सातवां डिज़ाइन या फिर पैटर्न, कॉइल बनाकर बोतल के चारों तरफ चिपका लें। पेन के ढक्कन से हल्का सा दबाव दें, ये अलग सा पैटर्न बन गया। इन्हें ड्राई कर लें। इसके अलावा आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सारे ड्राई हो गए हैं तो आप कलर कर सकते हैं। वॉल पुटी क्राफ्ट में हमेशा एक्रेलिक कलर यूज़ करें। पहले एक कोट करें, ड्राई होने दें, फिर दोबारा कोट करें। ज़रूरत हो तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं। अपने आप शाइनिंग आ जाती है और वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्रेलिक कलर ना हो तो पोस्टर कलर या फिर ऑयल वॉल पे जो कलर होता है यानी डिस्टेम्पर पेंट भी कर सकते हैं। मैंने रेनबो यानी इंद्रधनुष का थीम लिया है तो सातों कलर जैसे बैनी आह पिनाला यूज़ किया है। बैनी आह पिनाला शॉर्ट फॉर्म है बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यहाँ पे जितने भी कलर्स यूज़ किए गए हैं उनके नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। तो दोस्तों, बेकार प्लास्टिक बोतल से बना ये इंद्रधनुषी गमले बिल्कुल तैयार है। इन्हें इंडोर यूज करें क्योंकि वॉल पुटी क्राफ्ट वाटरप्रूफ नहीं होते। वाटरप्रूफ क्राफ्ट के लिए आप शिल्पकार क्ले या फिर मोल्डेड यूज कर सकते हैं। अपने पसंद का कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं। नेचुरल इंडोर प्लांट जैसे मनी प्लांट जो पहले से पॉट में लगे पड़े हों यूज कर सकते हैं। धूल जम जाए तो ड्राई ब्रश से साफ करें या गीले कपड़े से पोंछ लें। वीडियो देखा, अच्छा लगा और फिर भूल भी गए, फिर से वीडियो ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। इनसे बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप समय पे देख पाएं। खुश रहें, सुरक्षित रहें, क्राफ्ट करते रहें। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।